फ्रेंड्स आज हम आपको लेके आए हैं कानपुर का सबसे फेवरेट प्लेस गंगा बैराज। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ले जा रहे हैं गंगा बैराज बोटिंग क्लब में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके फेवरेट चैनल ऋषि ब्लॉग माय जर्नी में। तो दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं गंगा बैराज बोटिंग क्लब। आप देख सकते हैं मैं अभी ये एंट्री पॉइंट से अंदर जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाता हूँ बोटिंग। फ्रेंड्स यहाँ की एंट्री टिकट टाइमिंग के अकॉर्डिंग 50, 80 और 100 रुपए है। फ्रेंड्स यहाँ मैंने बिना मतलब के सिर्फ एंट्री के अभी 80 रुपए पे किए हैं, क्योंकि अंदर बोटिंग के लिए रिजर्वेशन करके बोटिंग चार्ज अलग है। एंट्री गेट से आपको अप्रॉक्स आधा किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद आपको मेन एंट्री मिलेगी। इस मेन एंट्री गेट पे ही आपकी टिकट चेक होती है। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया अभी हम एंट्री पॉइंट से होके अंदर कानपुर बोटिंग क्लब में आ गए हैं। अभी हम गंगा बैराज के कानपुर बोटिंग क्लब में हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अभी एंट्री टिकट 80 रुपए दिया है और मैं अंदर आया हूँ, बट यहाँ पे बोटिंग रिजर्व है। तो यहाँ पे टाइमिंग है बोटिंग रिजर्व होने का, 11 से 3 के बीच यहाँ पे बोटिंग रिजर्व हो जाती है। आप देख सकते हैं ये बोटिंग टिकट विंडो है। दोपहर 3 बजे से पहले आप यहां पर 165 रुपये पे करके अपनी बोट रिजर्व कर सकते हैं। बोट का पर पर्सन फेयर 165 रुपये है। फ्रेंड्स जैसा सोचा था ये बोटिंग क्लब बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहां काउंट करके आप देख सकते हैं टोटल 2 बोट्स हैं, वो भी दोनों की दोनों इस टाइम रिजर्व हैं। इन दो काउंटेबल बड़ी बोटों के साथ साइड में जो 2 मोटर बोट्स रखी हैं वो भी इस समय नॉन वर्किंग है। दोस्तों एंट्री टिकट तो यहाँ मेरी वेस्ट ऑफ मनी चली गई, उसके बाद सिर्फ बोटिंग मैं दूर से ही देख पा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में और आप भी मेरी तरीके बोटिंग को सिर्फ देख के यहाँ पे एंजॉय करें। भाइयों बहुत से व्लॉगर्स ने इसको गोवा मुंबई बीच पता नहीं क्या क्या टाइटल में डाला है, मुझे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर बोटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ किसी वीकेंड या फेस्टिवल पे तो बिल्कुल भी यहाँ ना जाएं, बिकॉज फेस्टिवल और वीकेंड पे बोटिंग के सारे स्लॉट्स बिजी रहते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ संडे को 2 बजे के बाद आया हूँ, इसलिए यहाँ पर बोटिंग के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बोटिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। ये यहाँ का वन एंड ओनली सिंगल रेस्टोरेंट सेटअप है। अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा डे स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं तो ये प्लेस आपके लिए बेटर है। यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी दिए हैं जहाँ पे आप सेल्फी क्लिक्स कर सकते हैं।
चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का इवनिंग व्यू और गंगा जी की भव्य आरती। बोटिंग क्लब के बाद आपको ले चलते हैं गंगा बैराज की ओर। ये अभी आप परिवर्तन टर्मिनल देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कानपुर के हैं तो आपको ये पता होगा कि कानपुर के मैक्सिमम लोग अपना संडे यहीं पर स्पेंड करते हैं। ये है कानपुर में सभी का फेवरेट फूड प्लेस गंगा बैराज मैगी पॉइंट। दोस्तों, तो अब आपको ले चलते हैं गंगा बैराज के अटल घाट में। ये वही प्लेस है जिसकी इनॉग्रेशन में माननीय नरेंद्र मोदी जी सीढ़ियों से फिसल के गिर गए थे। फ्रेंड्स, ये जगह भी बहुत ही पीसफुल है और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये घाट गंगा स्नान के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये कानपुर गंगा बैराज का पुराना बोटिंग एरिया है। यहाँ पर आपको लोकल वेंडर बोटिंग कराते हैं, तो मैं उस बोटिंग क्लब से ज़्यादा इस जगह को रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आके बोटिंग करें।